हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुज कुमार सिंह। मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करवाऊंगा, और कॉस्ट अकाउंटिंग जो बीकॉम के अंदर हो, चाहे आपका सीए में हो, चाहे सीएस में हो, किसी में भी हो, मैं प्रॉपर कॉस्ट जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कवर करूंगा, और इसकी सारी वीडियो मैं प्रॉपर टाइमिंग पे डालूंगा यूट्यूब पे। तो हमारे चैनल का नाम है वास्प स्टडी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और टाइम टू टाइम पे अपडेट होगा। और हो सकता है मे बी मैं इसके लिए कॉस्ट के लिए अलग से एक चैनल क्रिएट करूं जहां पे आपको हेल्प मिल पाए। तो सिर्फ ये इनिशियल स्टेज पे हम उस स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं जो फाइनेंशियली वीक है, जो कि एग्जाम से पहले इस चैप्टर को अगर कर ले तो अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो बस मुझे आपको यही बताना था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। थैंक यू सो मच। देखना आप बोर्ड पे, आज हम जो न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, नहीं करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी प्रोडक्ट का हम कॉस्ट जानने के लिए करते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया, और हम इसको जानेंगे विद प्रॉफिट भी, कि प्रॉफिट कितना रखना है हमें इस पे, और विदाउट प्रॉफिट भी। तो आज हम बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम के अंदर। बीकॉम आपका पास है या ऑनर्स हो, दोनों के अंदर ये टॉपिक होगा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग आप इस चैप्टर को अगर आप करोगे, तो चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट करो, चाहे आप आगे प्रोफेशनल कोर्स सीए हो, सीएस हो, किसी में भी, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कोई बीकॉम के लिए नहीं है, कोई सीए के लिए नहीं है, कोई सीएस के लिए नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपके काफ़ी सारे चैप्टर हैं, जिसको मैं वन बाय वन चैप्टर मैं सारा डिटेल में बताता जाऊंगा आपको, और वन बाय वन चैप्टर फिनिश करते जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बेसिकली क्या होता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। लेकिन जब हम फाइनेंस अकाउंटिंग बनाते थे, अब मुझे पहले ये समझाना पड़ेगा कि फाइनेंस अकाउंटिंग क्या है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। देखो, एक हमने कॉस्ट अकाउंटिंग जो अभी हमने स्टार्ट किया है, और एक फाइनेंस अकाउंट जो पहले किया था। यहां से हम निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, और यहां से भी हमने निकाला था प्रॉफिट या फिर लॉस को। तो दोनों अकाउंटिंग अलग-अलग क्यों, फर्क है? कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो यहां पे इन्वॉल्व होता है, जैसे इंटरेस्ट। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी भी इंटरेस्ट को हम नहीं लेंगे, इसलिए अलग किया गया। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो यहां पे इन्वॉल्व होगा, जैसे आपका गुडविल, रिटर्न ऑफ। लेकिन यहां पे गुडविल का रिटर्न ऑफ की एंट्री नहीं करेंगे। तो आप देखो, अगर मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊं कॉस्ट शीट का, एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊं फाइनेंस के हिसाब से, तो फाइनेंस वाले के डेबिट साइड में तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, फाइनेंस वाले के डेबिट साइड में गुडविल रिटर्न ऑफ आएगा ही आएगा। लेकिन जब कॉस्ट शीट का प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो ये नहीं लिखेंगे, तो दोनों का प्रॉफिट क्या होगा, मैच होगा या मिसमैच होगा? मिसमैच। इसी से रिलेटेड हम रिकंसलेशन भी करेंगे। हमें सीखना है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो यही ध्यान रखना है हमें कि जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो हमें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करना। तो मैंने बोला कॉस्ट शीट बनाएंगे, ये भी पी एंड एल है, लेकिन ये फाइनेंस वाला पी एंड एल नहीं है। फाइनेंस में हम प्रॉफिट एंड लॉस को पी एंड एल बोलते थे, लेकिन कॉस्टिंग में इसको बोला जाता है कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट क्या होता है, कॉस्ट शीट एक हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है सारे आइटम का, कि कौन सा आइटम हमारा कहाँ जाएगा, कौन सा आइटम कहाँ नहीं जाएगा। जिस तरीके से हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किया था, और उसके अंदर हमने क्या देखा था कि किस खर्चे को किस कैटेगरी के अंदर रखना चाहिए, यही देखा था। तो सेम एज इट इज यहां पे रहेगा हमारा, किस खर्चे को किस कैटेगरी में देखना चाहिए वो हमें एक बार समझना पड़ेगा। वहां क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ये आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में ये आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट में ये आएगा। वो खर्चे याद करने पड़ते थे कि ये इससे रिलेटेड है। सेम यहां पे हम देखेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे कॉस्ट शीट की, तो कॉस्ट शीट के अंदर अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, तो कोई भी कॉस्टिंग हो दो पार्ट होगा, प्राइम कॉस्ट, एक ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट क्या है हमारा, कॉस्ट
कॉस्ट शीट जब बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमारे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस है ये। और ओवरहेड क्या है? ये भी खर्चा है, लेकिन ये कौन सा खर्चा है? इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो सर प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेम उसी तरीके से जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा करते थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम कहाँ लिखा करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये खर्चा कैटेगराइज कर दिया गया था, यहां भी इसको खर्चे को कैटेगराइज करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन रेज होता है, सर अगर मैं दो कैटेगरी में बांटता हूं प्राइम कॉस्ट को और ओवरहेड को, तो प्राइम कॉस्ट के अंदर आपने कुछ पार्ट लिखा है, बिल्कुल। प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है और डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सेम ओवरहेड की मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, क्योंकि ओवरहेड हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसके अंदर मटेरियल भी होगा, इनडायरेक्ट लेबर भी होगा, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। मान लेते हैं एक मेरा फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में, इस फैक्ट्री में मैंने क्या करा, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करना है, सपोज क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। इस फैक्ट्री में मैं क्या करता हूं, क्लॉथ का मैन्युफैक्चरिंग करता हूं मैं। अब जब क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग होता है और इसको मैं यहां से बेच नहीं सकता, इसको बेचने के लिए ऑब्वियस है कि मुझे एक शोरूम की जरूरत पड़ेगी जहां पे हम इसे बेचेंगे। एक कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जहां पे हम इसको क्या करेंगे, सोल्ड आउट कर देंगे। ये मान लेते हैं कि मेरा ऑफिस है और जिसको बेसिकली मैं बोलूँ शोरूम। काम कैसे चलता है मैं एक बार समझाता हूँ आपको। हम क्या करते हैं, किसी जगह से और किसी जगह से हम माल को खरीदते हैं, यानी कोई और एक बिजनेसमैन है जहां से हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, थ्रेड खरीदते हैं, सपोज करो धागा खरीदते हैं या बना बनाए कपड़ा खरीदते हैं। तो ये इससे सामान खरीदेगा तो ये हमारा बायर, हम बाय इससे करेंगे। तो एक तो यहां पे सामान खरीदा, सपोज करो हमने यहां पे खरीदा कपड़े को, क्लॉथ खरीदा, लेकिन जो क्लॉथ मैंने खरीदा होगा वो प्रॉपर थान के फॉर्म में होगा। थान के फॉर्म में कैसे, उसको स्टिचिंग नहीं करा होगा, नॉर्मल क्लॉथ होगा। और ऐसा भी होगा कुछ थ्रेडिंग वगैरह, हम धागे से कपड़े को बनाते हैं उस तरीके से सारा होगा। मैंने क्लॉथ खरीदा, तो जो मैंने ये क्लॉथ खरीदा इससे, इसको बोलेंगे मटीरियल, इसको बोलेंगे मटीरियल। इसके बाद जैसे ही मैंने क्लॉथ खरीदा, यहां पे वर्कर काम करेगा। वर्कर क्या काम करेगा, वो क्लॉथ को स्टिचिंग का काम करता है, सपोज करो। तो एक वर्कर जो क्लॉथ को स्टिचिंग का काम करता है, नॉर्मली आप कहीं पे जाओगे तो जो वर्कर क्लॉथ को स्टिचिंग का काम करते हैं पर क्लॉथ के हिसाब से चार्जेस लेते हैं वो। जिस तरीके से आपके घर पे छोटे मोटे आपने देखे होंगे कुछ लेबर, जैसे कोई टॉफी बनाने का काम होता है, कुछ पेच वगैरह का काम करते हैं, घर पे जो हाउस वाइफ को देखेगा इस तरीके का गली में हमारे काम मिल जाता है, कुछ होल्डर वगैरह का काम करते हैं, तो उनको जो चार्जेस दिए जाते हैं वो पर पीस के हिसाब से। फूल बनाने का काम करते हैं, माला बनाने का काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे मिलता है पैसा, पर पीस के हिसाब से उन्हें वो जो उनका भी वेजेस दे दिया जाता है। मान लो यहाँ पे एक लेबर है, इस लेबर ने जो डिसाइड किया, इसको मैंने दिया कि आपको क्या करना है, आपको टी शर्ट या शर्ट बनाना है। बोला मैं एक शर्ट बनाने के 10 रुपए चार्ज करूंगा और एक शर्ट में 20 रुपए का कपड़ा लगेगा। 20 रुपए का कपड़ा क्या, जो ये मटेरियल था ये। अब जो इसको 10 रुपए दिए जाएंगे, या तो दो तरीका है, या तो 10 रुपए ले लो या आप महीने की सैलरी ले लो। तो जो भी इसको मैं सैलरी दूंगा, ये हमारा लेबर है। हम यहाँ वेजेस वर्ड का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे, ये क्या है, हमारा लेबर है। जो सामान खरीदा मटेरियल है, जो यहाँ पे था लेबर है। उसके बाद जो यहाँ पे एम्प्लॉई है, यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉई है उसका, यहाँ पे सबसे मेन एक तो मशीन चलेगा है भी, तो मशीनरी जब हमारे यहाँ पे रन करेगा, जो भी मशीनरी होगा हमारे यहाँ पे, उसके ऊपर मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। बेसिकली मैं इसे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं कहूंगा, इसे कहूंगा पावर। तो सर पावर और इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या डिफरेंस है? पावर जो होता है हाई वोल्टेज का, जब हम कोई मशीनरी रन करते हैं तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, पावर। तो हमने क्या करा यहाँ पे, पावर इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ मैंने पावर यूज किया। तो फैक्ट्री था हमारा, फैक्ट्री के बाद हमारा यहाँ पे क्या आया, पावर। पावर आने के बाद हमारा ये क्या है, ये हमारा एक एक्सपेंस है काइंड ऑफ। और एक्सपेंस को हम
कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या बोलेंगे? ओवरहेड बोलेंगे। ये था फैक्ट्री का, माल बन के सारा तैयार हुआ। और भी बहुत सारे यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन मोटा मोटा मुझे दिखेगा एक शर्ट को बनाने पे मैं क्या मेजरमेंट कर सकता हूँ, कितने घंटे मशीन चलेगा। मैंने बोला 1 घंटा मशीन चलेगा, एक शर्ट बन के तैयार हो जाएगा, इस पे 2 रुपए का एक्सपेंस आ जाएगा। सपोज करो मैंने बोला इस पे कितने का खर्चा आ जाएगा, हमारा 2 रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो 1 घंटे का हमारा मशीनरी का खर्चा। तो फैक्ट्री के अंदर एक तो मटेरियल का खर्चा देखा हमने, फैक्ट्री के अंदर हमने क्या देखा, एक लेबर का एक्सपेंस देखा, फैक्ट्री के अंदर मैंने क्या देखा, एक पावर का एक्सपेंस देखा। सेम जैसे ही माल हमारा ऑफिस में आया, तो आप ध्यान देना ऑफिस में जब माल पहुंचता है तो वो बिल्कुल रफ में पहुंचता है, बिल्कुल पैकिंग करके नहीं भेजते। कई बार आपने देखा होगा आसपास कहीं जीन्स वगैरह की फैक्ट्री देखी होगी आपने, तो वो बिल्कुल पैक करके नहीं जाता। देखा होगा रिक्शे पे जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो वो सारा उसमें थ्रेडिंग भी नहीं कटा होता, कुछ नहीं होता। यहाँ पे पहुंचता है ये माल, यहाँ पे जैसे ही गुड्स पहुंचा तो अभी बिकने के लिए तैयार नहीं है, अभी इस पे अगेन कुछ एक्सपेंस होगा। क्या क्या एक्सपेंस होगा? सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या खर्च करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि उसके ऊपर कुछ बटन हो गए, काज हो गए, शर्ट के अंदर इस तरीके का यूज होना है, तो यहाँ पे बटन वगैरह यूज हो रहा है ऑफिस के अंदर। इसके बाद बटन के बाद यहाँ पे जो उसके ऊपर जो वर्कर है, एक वर्कर यहाँ अपॉइंट करेंगे, उस वर्कर का क्या काम रहेगा, जो उस शर्ट के अंदर थ्रेडिंग धागा वगैरह है, उस शर्ट के ऊपर थ्रेडिंग जो धागा वगैरह है उसको कट करके एक फिनिशिंग बोर्ड में लेके आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये यूज करेगा एक पॉलिथीन, और पॉलिथीन यानी रैपर, जिसके अंदर उसको क्या करेगा, ये पैक करेगा। तो जो यहां पे बटन है, या बटन को छोड़ दें, ये बटन क्या है हमारा, ये भी मटेरियल है। जो ये पॉलिथीन यूज कर रहा है ये भी मटेरियल है। जो ये वर्कर थ्रेडिंग काट रहा है उसकी सैलरी ये क्या है, लेबर है, वो लेबर है। और सेकेंड थिंग, मटेरियल भी हो गया, थ्रेड भी हो गया, लेबर भी हो गया। इसके बाद बात करें क्या यहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जलेगा या नहीं जलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल यहां पे भी होगा। तो ये क्या है हमारा एक्सपेंस है, जिसको हम क्या नाम देंगे, ओवरहेड। यहाँ पे वर्कर चाय वगैरह भी पिएगा, जो भी टी है, स्नैक्स है, जो भी ले रहा है, अकाउंटेंट वगैरह है, ये सब खर्चा यहाँ होगा मटेरियल को बनने में। तो यहां से माल निकला, ऑफिस पहुंचा या दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंचा यहाँ, इसके बाद हमारा माल तैयार हो गया, जिसको हम बोलते हैं फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश गुड्स। अब इसके बाद इसको बेचेंगे, तो बेचने के बाद फिर से हमारा खर्चा होगा। तो इस स्टेज पे जो खर्चा होगा वो किस चीज का खर्चा होगा हमारा, सेल्स करने का खर्चा। तो बेसिकली हमारे खर्चे के ना अलग अलग जगह है, और अलग अलग जगह पे भले ही खर्चे का नाम सेम है लेकिन कैटेगराइज है। यहाँ वाले खर्चे को फैक्ट्री का खर्चा, यहाँ वाले खर्चे को ऑफिस का खर्चा, इसके बाद वाले खर्चे को सेल्स का खर्चा, ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली अगर मैं क्लासिफिकेशन बताऊं आपको, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर अगर हम देखें, तो एक होता है प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट, यानी जो यहाँ यहाँ पे हमारे खर्चे हैं ना वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या क्या डायरेक्ट हो सकता है, मटेरियल डायरेक्ट हो सकता है, ये रहा। और क्या डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, लेबर, जो इसको 10 रुपए दे रहे थे। और क्या डायरेक्ट हो सकता है आपका, जैसे कि यहाँ पे पावर, ये कौन से खर्चे माने गए, डायरेक्ट। ये रिलेट किससे कर रहा है, फैक्ट्री से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे खर्चे मैंने बताए ओवरहेड, मतलब एक्सपेंस है। देखो एक्सपेंस तो ये भी है, सारे के सारे ये एक्सपेंस है, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। और ओवरहेड जो होता है वो इनडायरेक्ट के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है ऊपरी खर्चा, इसका मतलब होता है डायरेक्ट खर्चा, है दोनों ही एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मटेरियल, जो ये आपका मटेरियल जो था पैकिंग करने के लिए लिया, जिसमें आपके शर्ट को बना के पैक किया जा रहा था, तो वो मटेरियल कौन सा मानेंगे हम, इनडायरेक्ट मटेरियल। इसके बाद लेबर की मैं बात करूं, यहाँ पे जो ये लेबर पैसे ले रहा था वो कौन सा लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर। इसके बाद यहाँ पे मैं एक्सपेंस की बात करूं, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था उसे कौन सा नाम देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क ये है। अब सीधा बताएं तो आप किसी भी चीज को देख के अगर अंदाजा लगा लेते हो तो वो डायरेक्ट को ही अंदाजा लगाते हो, इनडायरेक्ट का अंदाजा नहीं लगाते। जैसे आपने शर्ट को देखा तो आपने अंदाजा क्या लगाया, कपड़ा लगा होगा इतना तो 100 रुपए का कपड़ा होगा, इसके बाद सिलाई का ले लिया होगा 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए मेजरमेंट करोगे, इसके बाद फैक्ट्री के थोड़े बहुत खर्चे हैं, वो खर्चे आप मेजरमेंट कर लेते हो। तो खर्चे हमारे 2 प्रकार के, यहाँ पे डायरेक्ट
और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है? जिसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और उसको हम अब डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। और एक खर्चा ऐसा है जिसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। मान लो इसको धागा काटने के लिए दिया, इसने दिन भर में 1000 शर्ट के धागे काट दिए, तो हम कॉस्ट तो निकाल नहीं सकते कि भाई इसने कितना किस पे काम किया। तो वो खर्चे जिसको उस आइटम के ऊपर इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा हमें दिखता है वो डायरेक्ट, और जो नहीं दिखता है वो इनडायरेक्ट। जैसे मेरे पास मान लो ये डस्टर है, मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, आप बोलोगे प्लास्टिक 5 रुपए का होगा, और इसके ऊपर जो ये लगा रखा है कपड़ा रब करने के लिए, ये मान लो 10 रुपए का होगा, मुश्किल से 15 रुपए का पड़ता है, लेकिन मिलता मार्केट में मान लो 50 रुपए का है। तो 15 रुपए आपने अंदाजा लगा लिया, तो इट मीन्स आपने डायरेक्ट कॉस्ट का अंदाजा लगाया। आपने ये अंदाजा तो लगाया ही नहीं जिस वर्कर ने इसको साफ सफाई किया, इस पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा कितना आया, जो सेल्समैन दुकान पे देने जा रहा था उसका कितना खर्चा आया, ये सारे खर्चे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए आप। तो ये खर्चे कौन से थे? हमारे ओवरहेड थे। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कॉस्ट शीट है, क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में करेंगे इसको, एक करेंगे प्राइम कॉस्ट, एक करेंगे हम ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट के अंदर 3 कैटेगरी हो सकता है हमारा, जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर ओवरहेड की हम बात करें तो ओवरहेड में क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। बाकी करना कैसे है? पी एंड एल का आपको जैसे कि पता ही है कि फाइनेंस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का कुछ ऐसा फॉर्मेट था, और जो धीरे धीरे करके हमारा बदल गया, जो इस फॉर्म में आ गया हमारा, तो हम इसी फॉर्म में अब एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करेंगे? फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट देखने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इसे कैसे करना है। तो ये वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, सिर्फ इस वाले पार्ट को नोट करना कि डायरेक्ट मटेरियल, अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो डायरेक्टली परचेज रॉ मटेरियल इन फैक्ट्री, इसका एग्जाम्पल लिखें तो मटेरियल यूज फॉर फिनिशिंग गुड्स, जैसे पॉलिश वगैरह करने के लिए मटेरियल यूज हो रहा है, तो ये भी मटेरियल है, ये भी। इसका एग्जाम्पल पर पीस जो लेबर ले रहा है वो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले जो मंथली बेसिस पे सैलरी ले रहा है वो होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल ले इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्टली कंज्यूम फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना बिल लग गया, और इसका इनडायरेक्ट का कोई भी ले सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, सेलिंग एक्सपेंस हो सकता है, कोई भी आपका यहाँ पे हो सकता है। तो एक बार आप सिर्फ इस पार्ट को लिखोगे क्लासिफिकेशन, इसके बाद क्या क्या ऐसे खर्चे हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल को और भी क्या किसी नाम से जाना जाता है, डायरेक्ट लेबर को इस नाम से जाना जाता है, इनडायरेक्ट लेबर को किस नाम से जाना जाता है। तो एक बार हम उसकी लिस्ट भी देखेंगे कि किस किस नाम से जाना जाता है। पहले आप फटाफट से ये नोट करिए, फिर मैं उसका आपको लिस्ट बता देता हूँ किसको किस नाम से जानते हैं। तो आगे देखते हैं हम इसके अंदर। अभी हमने प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड को तो देख लिया क्या होता है, बाकी कॉस्ट शीट जब हम करेंगे प्रॉपर तरीके से तो हमें अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कॉस्ट शीट के बारे में। तो सबसे पहले अब कुछ नोट की मैं बात करूं तो कुछ ऐसे नोट हैं यहाँ पे जिसको हमें समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में बोलेगा अलग अलग डिफरेंट में। कॉस्ट में सबसे मेन होता है आपको लैंग्वेज समझना, एक ही चीज को बहुत सारे नाम से बोला जाता है और उसका नाम हमें पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो जैसे कि डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस को हम फैक्ट्री वेजेस भी बोलते हैं और प्रोडक्टिव वेजेस के नाम से भी जानते हैं। कोई भी डायरेक्ट वेजेस रहेगा हमारा तो या तो डायरेक्ट वेजेस बोलेंगे या फैक्ट्री वेजेस बोलेंगे या फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिव वेजेस, जो कि हमारा किसका हिस्सा रहेगा? हमेशा प्राइम कॉस्ट का हिस्सा रहेगा। ये हमेशा डायरेक्ट वेजेस की मैं बात करूं तो ये इसकी बात कर रहा है, जो किसका पार्ट है? हमारा प्राइम कॉस्ट का। फैक्ट्री कॉस्ट, इसके बारे में फैक्ट्री कॉस्ट को एक और नाम से जानते हैं, वर्क कॉस्ट। ये कोई खर्चा नहीं है, ये एक हेडिंग है। जो हम क्वेश्चन में अभी कॉस्ट शीट बनाएंगे तो वहां पे एक हेडिंग आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, तो उसका एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क कॉस्ट के नाम से। इसके बाद मैं बात करूं तो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है। डायरेक्ट एक्सपेंस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस भी दे सकते हैं, चार्जेबल एक्सपेंस भी दिया जा सकता है, और कैरेज इनवर्ड भी दिया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, पहले मैं वेजेस की बात कर रहा था यानी लेबर से कनेक्टेड था, अब मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं यानी यहां से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अनप्रोडक्टिव वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस, ये इस वाले पार्ट से कनेक्टेड है हमारा। देखो वेजेस तो यहां पे भी है,
और वेजेस यहाँ पे भी है, लेकिन ये वाला पार्ट किससे होगा हमारा? इनडायरेक्ट, जिसको मैंने ऑफिस का खर्चा बोल रखा है एक तरीके से, वहां से रिलेटेड होगा। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस क्या होता है हमारा, जो मैंने बताया था सेल्स करने का खर्चा, उसके अंदर हम कैरिज आउटवर्ड भी जोड़ते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ सेलिंग एक्सपेंस के, तो कमीशन फॉर सेल्समैन हो सकता है, डिलीवरी वैन चार्ज हो सकता है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो डिलीवर करते हैं डिलीवरी चार्ज हो सकता है, वो सारा किसका पार्ट होगा? हमारा सेलिंग एक्सपेंस और कैरिज आउटवर्ड का। तो नोट में देखा जाए तो हमारे पास 5 नोट था ये, और ये नोट बेसिकली क्या है, एक चीज को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जो जानते हैं वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन जब करोगे तो बीच में आपको परेशानी पक्का आना ही आना है। अब ये है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या है? ये वो खर्चे हैं जिसको कि अगर आ जाए आपके क्वेश्चन में तो कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करना पीएनएल में। जैसे इंटरेस्ट अगर देता है तो हमारे किसी काम का नहीं है, इग्नोर करो। डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, जैसे मैंने बोला भाई जल्दी से पैसे दो, मैं आपको 200 रुपये छोड़ दूंगा आपके ऊपर, तो वो डिस्काउंट यहाँ नहीं आएगा। एक्सपेंस ऑन कैपिटल इशू, जैसे कि इशू शेयर करते हैं, इशू हम डिबेंचर करते हैं, तो उस पर कोई भी एक्सपेंस आएगा वो। इनकम टैक्स और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और गुडविल रिटर्न ऑफ, ये वो एक्सपेंस है जिसे हम कॉस्ट शीट में लेंगे या नहीं लेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे अगर गिवन होगा। इससे रिलेटेड कॉस्ट शीट, क्योंकि मैं बार बार, चैप्टर हमारा कॉस्ट शीट है तो पहले कॉस्ट शीट के बारे में जानेंगे। कुछ नॉर्मल लॉस होता है, एक एबनॉर्मल। अब मैं लॉस की बात करूं अगर, तो एक बात और ध्यान रखना है आपको, लॉस। अब आपके लॉस 2 प्रकार के होते हैं, एक लॉस हो सकता है आपका नॉर्मल हो, एक हो सकता है एबनॉर्मल हो। हम यहाँ पे नॉर्मल और एबनॉर्मल का मीनिंग समझेंगे नहीं, बस थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। नॉर्मल लॉस हमारा वो लॉस होता है जो डेली रेगुलर बेसिस पे होता ही होता है, उसको हम टाल नहीं सकते। और एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो कि अचानक से हो जाए, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो जाए, उसे एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। तो अगर आपको देता है लॉस, तो अगर लॉस देता है तो आपको समझना होगा नॉर्मल है या एबनॉर्मल। अगर आपको एबनॉर्मल लगता है वो, या फिर आप अजम्पशन ले रहे हो एबनॉर्मल है, या क्वेश्चन में एबनॉर्मल बोलता है, तो इसे कॉस्ट शीट के अंदर हम नहीं मानेंगे, यानी इसे कॉस्ट शीट से अलग कर देंगे हम। लेकिन अगर नॉर्मल है तो इसे हम कॉस्ट शीट में दिखाएंगे, ठीक है? तो अगर देखो आप दी मैंने दिया कि लॉस 5,000 रुपीज, तो आपको आप समझ में नहीं आ रहा है कि लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपको लगता है नॉर्मल तो नोट दोगे और कॉस्ट शीट में दिखाओगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ये एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है तो नोट दोगे। वी अज्यूम दैट दैट लॉस इज एबनॉर्मल लॉस, तो हमें कॉस्ट शीट के अंदर कहीं दिखाना है क्या? नहीं दिखाना है इसको, ठीक है? तो ये पॉइंट था हमारा, एक कुछ एक्सपेंसेस और कुछ फाइनेंस कॉस्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैड डेट्स के ऊपर। देखो अब हमने अभी प्राइम कॉस्ट देख लिया, और डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल और उसके नोट्स क्या, फाइनेंस चार्जेस है, किस खर्चे को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। अब हम कॉस्ट शीट में कैसे करेंगे वो सीखते हैं। देखो कॉस्ट शीट बनाने से पहले हमें कैटेगरी समझना पड़ेगा। कैटेगरी नंबर 1 मैं बताऊं तो ये है प्राइम कॉस्ट। अगर मैं कॉस्ट शीट सीखना है तो मुझे जानकारी चाहिए प्राइम कॉस्ट, और सिर्फ प्राइम कॉस्ट के बारे में जानकारी से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी जानना है कि प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या-क्या चीजें आएगा जिससे हमारा के प्राइम कॉस्ट बन जाए। ऐसे कौन-कौन से कंपोनेंट्स को हम ऐड करें जिससे कि हमारा प्राइम कॉस्ट बन जाए, ये जानना है। तो देखा जाए तो देखो प्राइम कॉस्ट यहाँ पे है, मैंने फॉर्मेट में साथ के साथ ले चलूंगा। प्राइम कॉस्ट जानने के आपको पता करना है तो परचेज लिखना है पहले रॉ मटेरियल का, ओपनिंग ऑफ स्टॉक रॉ मटेरियल का, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का माइनस हो जाएगा और यहाँ आंसर आएगा। इसके बाद जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है ऐड करेंगे, इतने सारे पोर्शन करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में बेसिकली जितने भी डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, अगर इन सबको प्लस कर दें, या जो भी क्लोजिंग स्टॉक माइनस है, तो हमारा जो जनरेट होगा उसे क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट समझने के लिए एक और पॉइंट हमें समझना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट, या बोलते हैं हम रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब बेसिकली रॉ मटेरियल कंज्यूम होता क्या है, रॉ मटेरियल RM लिख रहा हूं मैं, मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज प्लस में
ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें तो इनका एक नाम जनरेट हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगर आप इन केस ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको एग्जामिनर दे देता है क्वेश्चन में, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का कोई काम नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का कोई काम नहीं है, इनफैक्ट कैरिज इनवर्ड का भी कोई काम नहीं है। जो हमने कैरिज इनवर्ड लिखा है ना, नोट में लिखवाए कैरिज इनवर्ट, उसका भी कोई काम नहीं है। ये तीन चीजों का कोई काम नहीं है। बेसिकली मैं बोलूं तो ये वाला पॉइंट जो हम अगर सॉल्व करें तो ये क्या जनरेट करेगा हमारा, रॉ मटेरियल। तो अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम देता है तो हमें इन सब का कोई मतलब नहीं है, सीधा रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे और फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर डायरेक्ट वेजेस। तो एक तो हमें प्राइम कॉस्ट समझना है, प्राइम कॉस्ट में कुछ चीजें ऐड और कुछ चीजें लेस। प्राइम कॉस्ट के बाद हमें समझना है कि भाई फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट समझना है। अब फैक्ट्री कॉस्ट की मैं बात करूं तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारे दो तरीके के हैं, एक ग्रॉस और एक नेट। और मेन बात मैं बताऊं तो फैक्ट्री कॉस्ट को एक और नाम से जाते हैं जिसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। अभी मैंने नोट में भी लिखवाया, आपको नोट नंबर 2 लिखवाया आई थिंक, कि फैक्ट्री कॉस्ट को किस नाम से जानते हैं हम, वर्क कॉस्ट के नाम से। तो फैक्ट्री कॉस्ट एक होगा ग्रॉस, एक होगा नेट। तो फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, फैक्ट्री में होने वाले खर्चे। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना है सर, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट भी तो फैक्ट्री में ही होगा हमारा, नहीं। प्राइम कॉस्ट कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो डायरेक्टली बिल्कुल मटेरियल पे लगते हैं, उसके अलावा जो फैक्ट्री में खर्चे होंगे वो। तो हम फैक्ट्री में लगने वाले खर्चे, खर्चे को क्या बोलते हैं हम, ओवरहेड। फैक्ट्री में जो भी खर्चा लगेगा उसको अगर यहां पे लिख दें तो प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री के खर्चे को ऐड कर दिया जाए तो जनरेट होगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। यानी अगर मेरे से पूछो सर फैक्ट्री कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट प्लस में फैक्ट्री, क्या बताऊं मैं, फैक्ट्री ओवर हेड, इन दोनों को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा हमारा, फैक्ट्री कॉस्ट। और जो पहले जनरेट होगा वो बनेगा ग्रॉस, फिर बनेगा नेट। अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा वो लिस्ट मैंने यहां पे लिखा हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत सारे खर्चे आते हैं, जैसे अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस के बहुत सारे नाम लिखवाए, इनडायरेक्ट वेजेस भी बोला जा सकता है आपका। जैसे एस्टीमेटिंग, एस्टीमेटिंग क्या होता है, फैक्ट्री में किसी काम को करने से पहले बजट वगैरह अंदाजा लगाया जाता है, उसे एस्टीमेटिंग बोलते हैं। ब्रांचेस के एक्सपेंस, वाटर एक्सपेंस यानी वाटर सप्लाई एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, कंज्यूमेबल स्टोर, ट्रेनर एक्सपेंस, जो ट्रेनिंग करता है वर्कर उसके ऊपर खर्च किया जाए। इसके बाद रेंट फॉर वेयर हाउस, वर्क मैनेजर एक्सपेंस या सैलरी, इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोविडेंट फंड और कैंटीन एक्सपेंस। ये मैंने कुछ 12 एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, ये 12 एग्जाम्पल लिखे हैं, और भी हो सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चन में बोले कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे। ये कुछ 12 एग्जाम्पल है जो किसके एग्जाम्पल है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो वर्किंग नोट डालेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड को यहाँ टोटल करेंगे और टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे। तो प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दे तो क्या आएगा, ग्रॉस। ग्रॉस क्यों बोला गया, अब देखो हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक हमारे तीन तरीके के हैं। एक होता है हमारा स्टॉक रॉ मटेरियल का, एक स्टॉक होता है WIP का, एक स्टॉक होता है फिनिश गुड्स का। तो जो हमारा स्टार्टिंग में माल खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक, किस चीज का है वो, रॉ मटेरियल। उस माल को हमने बनाने के लिए तैयार कर दिया, लेकिन कुछ सर्टेन पार्ट अगर कर दें तो फिक्स होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर माल रेडी फॉर सेल है तो उसको क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स। ये फर्क होता है हमारा। जैसे कि सपोज करो कोई बिल्डर है, अगर उसने स्टार्ट नहीं किया कुछ भी काम, सिर्फ सीमेंट लेके आया है, ब्रिक्स लेके आया है, वो लेके आया है, तो ये सब मटेरियल है, रॉ मटेरियल, ये है हमारा रॉ मटेरियल। उसने काम स्टार्ट कर दिया, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ दीवार वॉल वॉल चारों तरफ से बना दिया, तो ये भी हमारा मटेरियल तो लग गया लेकिन अभी वर्क इन प्रोग्रेस में। अब जब बिल्डिंग बन जाएगा तो क्या होगा, फिनिश गुड्स। तीन, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक तो प्राइम कॉस्ट से कनेक्टेड है। ये किससे कनेक्टेड है हमारा,
ये कनेक्टेड है हमारा प्राइम कॉस से, और ये कनेक्टेड है फैक्ट्री कॉस से, और ये कनेक्टेड है कॉस्ट सीओजीएस से। ये तीनों का अलग अलग स्टेज है। तो यहां पे ग्रॉस का मतलब क्या है कि अभी इसके अंदर कुछ काम चल ही रहा है, नेट नहीं हो पाया अभी, किसी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो यहां लिखना भूल गए, क्योंकि हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट तब होगा जब सारे खर्चे दिखा दें। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि लिखना भूल गए, यानी काम चल ही रहा है। मैंने मिस्त्री से पूछा, कंस्ट्रक्शन वाले से, भाई कितना सीमेंट और लग जाएगा बताओ, बोला पता नहीं, आधा भी लग सकता है और पूरा भी लग सकता है, हाफ बैग भी लग सकता है पूरा भी, तो कंफ्यूजन है। तो मैंने बोला चलो तुम अपना काम करो, रात में आराम से बता देना, पहले मैं अपना ग्रॉस फैक्ट्री तो निकाल लूं। अब मिस्त्री ने बता दिया सर इतना लग गया, तो उसके बाद ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना था, माइनस करेंगे तो अब जनरेट क्या होगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो ग्रॉस और नेट के बीच में फर्क किस चीज का है, WIP। अगर WIP नहीं होता, वो लेबर मुझे बता देता सर इतना काम डन हो चुका है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो मेरा क्या ग्रॉस फैक्ट्री होता? नहीं, ग्रॉस के बदले सीधा इसका ही नाम मैं क्या दे देता, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट का मतलब समझ रहे हो, मुझे पूरा खर्चा पता है। ग्रॉस का मतलब कुछ खर्चे हो सकते हैं अभी, उसके बारे में हमें नहीं पता। तो सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकाला, फैक्ट्री ओवरहेड में ये लिस्ट डाल दिया, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। अब प्राइम कॉस्ट इसका एक और नाम मैंने बताया अभी, क्या नाम से जानते हैं हम बताओ, वर्क कॉस्ट। इसे भूलना नहीं है, बार बार एग्जामिनर पूछेगा वो। नेट फैक्ट्री कॉस्ट जैसे ही आया है, अगला हेडिंग हमें तैयार करना है, जो अगला हेडिंग है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो क्या होता है हमारा, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि फैक्ट्री के अंदर ही हो रहा है एक्चुअल में, या फिर मैं बोलूं कि कुछ और ऊपर से खर्चा हो रहा है, ऑफिस के खर्चे मैं मान लेता हूं, चलो फैक्ट्री में भी हो सकता है ऑफिस में भी हो सकता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी रख रखाव के खर्चे। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है रख रखाव के खर्चे होंगे, क्या क्या और किस तरीके का, जैसे कि ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या होता है, हमारे काम जो हो रहा है उसको चेक करने का फीस, लीगल चार्जेस, बैंक चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, ऑफिस का रेंट, ये सारे खर्चे कौन से, हमारे एडमिन। तो अगर मुझे एडमिन का खर्चा पता चल जाए, तो फैक्ट्री में एडमिन का खर्चा अगर मैं डाल दूं, तो मेरा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, टोटल माल बनाने का खर्चा, ये क्या है, टोटल माल बनाने का खर्चा, जो भी हमारा टोटल है उसका बनाने का खर्चा। यानी अब इसके अंदर यहां पे बताओ, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि इसका खर्चा, टोटल माल बनाने का खर्चा 10,000 है, और मैंने यूनिट बनाए सपोज करो 2,000 यूनिट, तो एक यूनिट को बनाने में खर्चा निकाला जा सकता है। टोटल बनाने का खर्चा कितना आया हमारा, 10,000, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट मैंने बनाए 2,000, तो एक यूनिट का खर्चा कितना आएगा, 10 रुपए, 5 रुपए, कितना आएगा, 5 रुपए। यानी 10,000 डिवाइडेड बाय 2,000, आंसर आ गया हमारे पास, रिजल्ट कितने, 5,000। ठीक है, तो पहला हेडिंग क्या था, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के लिए कुछ खर्चों की नॉलेज होनी चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड उसके लिए ये खर्चों की नॉलेज होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए, एडमिन की। एडमिन खर्चे कौन से हैं, ये हैं। जैसे ही एडमिन खर्चा जोड़ोगे, आपका टोटल माल बनाने का खर्चा आ गया। अब माल बनाने का मतलब ये तो नहीं है सारा का सारा बिक जाएगा, और ये माल बन के एक फैक्ट्री में तैयार होकर रखा हुआ है, और इसको बेचने के लिए हमें ऑफिस या सेलिंग डिपार्टमेंट तक भी पहुंचाना होगा। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। जैसे ही इसको माइनस करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माल को बेचने का जो है वो खर्चा आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी मान लो मैंने 2,000 यूनिट बनाया, और मेरे से पास पहले से ये यूनिट बनाया है, तो बनाने का मतलब क्या, ये FG है, फिनिश है मेरा, ये 1,000 पहले का पड़ा हुआ था, तो मेरे पास टोटल यूनिट कितने हो गए, 3,000 हो गए। क्या ये भी FG होगा, लेकिन ये कौन सा होगा, ओपनिंग होगा। अब मुझे बताओ, मेरे पास 100 यूनिट अभी भी बचे हुए हैं क्लोजिंग में, 100 यूनिट अभी भी बचे हुए हैं, तो बताओ क्या करेंगे अब, तो 2,900 यूनिट कहां गए,
सोल्ड हो गए, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी अगर जितने यूनिट बनाए हैं उसमें ओपनिंग यूनिट को जोड़ दिया जाए और क्लोजिंग यूनिट को घटा दिया जाए, तो वो यूनिट निकल के आएगा जो हम बेचने जा रहे हैं। ठीक है, तो यही यहां पे मेरा फॉर्मूला ड्राइव हुआ। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का बोलूं तो एक फॉर्मूला आपको मैं इसका बना के लिख देता हूं, प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है, या मैं सेल्स यूनिट का फॉर्मूला लिख देता हूं, सेल्स यूनिट का इज इक्वल टू ओपनिंग, ओपनिंग एफ जी प्लस क्या करा था मैंने अभी प्रोडक्शन, और माइनस क्या करा था क्लोजिंग। ये सब यूनिट में है, रुपीस में नहीं लेना आपने, सब किसमें, यूनिट में। तो अगर यूनिट यूनिट माइनस प्लस करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिल पाएगा कि कितने यूनिट हम बेचने के लिए तैयार हैं, और यहां से क्या पता चलेगा कितने यूनिट हमने बना लिए हैं, और इससे क्या पता चलेगा हम कितने यूनिट बेचना चाहते हैं, हम बेचना जितना चाहते हैं, जितने भी यूनिट बेचना चाहते हैं ये पता चला। अब बेचने के बाद भी खर्चा होगा, हम बेचने जाएंगे, सेल्समैन का खर्चा, ये खर्चा, तो इसके अंदर हमें एक और एक्सपेंस ऐड करना है जिसे बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या होता है, यानी इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अगला जनरेट होगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट सॉरी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक्सपेंस ये होगा कैरिज आउटवर्ड, कब लगेगा, जितने यूनिट मेरे पास यहां पे रखा हुआ है, किस लिए रखा हुआ है, बेचने के लिए। अब मैं बेचने के लिए बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, मान लो दुकान का रेंट हो सकता है, मान लो सेलिंग एक्सपेंस हो सकता है, मान लो डिलीवरी, तो वो सारे खर्चे अगर जोड़ूंगा तब मुझे पता चलेगा ये यूनिट बेचने तक का मेरा लागत कितना आया। तो यहां पे कैरिज आउटवर्ड, सेलिंग एक्सपेंस, कमीशन ऑन सेल्स कितना दिया गया, कॉस्ट ऑफ सैंपल फ्री में देखा है, ये सारा खर्चा करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा यूनिट बेचने से पहले तक मुझे कितने का पड़ा, मुझे कितने का पड़ा, तो उसको क्या नाम दे दिया मैंने, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मुझे पता चल गया कि भाई मुझे पड़ रहा है ये 1000 का, मैंने 20 रुपए का प्रॉफिट रखना है तो मैं कितने का बेच दूंगा, 1020 का, तो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन एड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सेल्स आ जाएगा। तो ये हमारा है एक कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के अंदर हमें कैटेगराइज पता होना चाहिए, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट कैसे बनेगा, फैक्ट्री ओवरहेड से हमारा ग्रॉस कैसे बनेगा, नेट कैसे बनेगा, कॉस्ट ऑफ, इसके बाद क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। तो बेसिकली 6 पॉइंट याद रखना है, प्राइम कॉस्ट, इसके बाद क्या आएगा हमारा अगला हेडिंग, ग्रॉस फैक्ट्री, फिर नेट फैक्ट्री, इसके बाद क्या आएगा प्रोडक्शन, फिर क्या आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, और लास्ट में तो हमारा सेल्स है। इसके बीच में क्या क्या पॉइंट्स हम देखेंगे, लिखेंगे, वो सारे पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। अब कुछ चीजों को मैं यहां एक्सप्लेन करूंगा, उसको ध्यान से देखना है। ये एडमिन डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को संभालने के लिए कोई ना कोई होता होगा, इस डिपार्टमेंट को संभालने के लिए कोई ना कोई होता होगा। ये सेलिंग डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को भी संभालने के लिए कोई ना कोई होगा, 100% श्योर है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग खर्चा। इस वाले डिपार्टमेंट के सारे खर्चे की जिम्मेदारी किसकी, इसकी, और इस डिपार्टमेंट को मान लेते हैं इसका नाम ए है, इस डिपार्टमेंट को सारे चलाने की खर्चे की जिम्मेदारी किसकी, बी की। ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, सारा डेटा तैयार करेगा कि किसको कितना सेल्स किया नहीं किया, यानी अकाउंटेंट कहां बैठा है इस डिपार्टमेंट में। ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, मार्केट में जाके सामान बेचेगा। अब हमारा ना बैड डेट्स भी हो सकता है, अब बैड डेट्स या तो इसने डेटा नहीं दिया, ये तो मांगने के लिए तैयार था, इसने डेटा नहीं दिया और सामान डूब गया, तो कौन जिम्मेदार है उस बैड डेट्स के लिए, ये ए। इसने डेटा दे दिया लेकिन ये मांगने नहीं जा रहा उससे पैसे बार बार, हमने बोला भाई जाओ मांग के लाओ, बोला मैं नहीं जा रहा उसके पास पैसे लेने के लिए, फिर मेरा पैसा डूब गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, बी है। तो जब बैड डेट्स होगा तो बैड डेट्स यहां भी हो सकता है और बैड डेट्स यहां भी हो सकता है एक्सपेंस में, लेकिन हमें देखना होगा हु इज रिस्पॉन्सिबल। मान लो ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसने भी डेटा तैयार किया, और ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसने भी डेटा तैयार किया था और मांगने गया बार बार, दोनों ने प्रॉपर एफर्ट लगाया फिर भी बैड डेट्स हो गया, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, फिर भी बैड डेट्स हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में बैड डेट्स हमारा कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, वो फाइनेंस का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये रिस्पॉन्सिबल है तो यहां का पार्ट माना जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबल है तो यहां का पार्ट माना जाएगा, लेकिन हम क्वेश्चन में तो ये नहीं बोलेगा कौन रिस्पॉन्सिबल है, वहां पे अजम्पशन देना होगा आपको। अगर आप बैड डेट्स को कॉस्ट शीट में इनकॉर्पोरेट नहीं करते तो आप क्या मानोगे, बैड डेट्स वी आर कंसिडर एज अ फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि इसमें किसी की भी मिस्टेक नहीं है। अगर हम यहां लिखते हैं तो वी अज्यूम दैट बैड डेट्स किसकी वजह से हुआ, बाय
आपका डिले या बाय आपका एडमिन डिपार्टमेंट की वजह से हुआ, कॉजेस ऑफ बाय एडमिन डिपार्टमेंट। और यहां सेलिंग, हमारे क्वेश्चन जितने भी बुक के करेंगे उसके अंदर यहां पे बैड डेट्स दिखाने की कोशिश करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। समझ में आया बैड डेट्स? बैड डेट्स तीन तरीके के हो सकते हैं, एक को नहीं दिखाना, तो कंफ्यूज मत होना सर ये तो दिखाया नहीं तो क्या करें, अब अलग अलग बुक में चेक कर सकते हो आप। एक हो सकता है एडमिन में आ जाए तो वहां भी कंफ्यूज नहीं होना क्यों जा रहा है, ये भी रीजन दिया, और एक सेलिंग में हो सकता है। अब मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, यहां तक प्रॉपर तरीके से हमें समझ में आ गया, मैं अगले पॉइंट की बात कर रहा हूं। हमारे स्क्रैप भी कर देते हैं कई बार, सेल ऑफ स्क्रैप, कुछ चीजें जो ऐसा होता है जिसे बेचने के बाद हम पैसे रिकवर कर सकते हैं, तो खर्चे को तो ऐड कर लिया। मान लो मेरे सामान बनाने का खर्चा आ रहा था 1000 और इसमें से कुछ मटेरियल मैंने स्क्रैप में बेच दिया 200 रुपए, तो मेरा खर्चा 1000 थोड़ी रहा, मेरा खर्चा कितना रह गया 800 रुपए का ही रह गया ना। तो खर्चे की मैं बात करूं, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टील कंपनी है, वो स्टील कंपनी क्या करता है इससे प्लेटें बनाता है। प्लेट कैसे बनेगा, स्टील कंपनी है और उसके पास जो भी पूरी शीट होगी एक, और शीट का मैं कुछ डिजाइन अगर मैं बताऊं तो शीट ये है मान लेते हैं इसके पास एक, इसमें से क्या करता है वो प्लेट बनाता है और प्लेट बना के बेचता है। तो प्लेट बनाएगा तो मशीन जो होगा वो यहां से कट लगाएगा, अगेन मशीन यहां से भी कट लगाएगा, फिर यहां से कट लगाएगा, प्लेट कट गई है यहां से कट लगाएगा, फिर मशीन यहां से भी कट लगाएगा, फिर मशीन यहां से कट लगाएगा। अब बताओ इस एरिया में कट लगा के क्या आधा प्लेट बना सकता है वो? नहीं बना सकता। यानी जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो है, ये एरिया हमारा वेस्ट है, इसमें से प्लेट निकालेंगे तो हमारे पास ये एरिया पड़ा हुआ रह जाएगा, ये प्लेट तो हम निकाल के बेच देंगे लेकिन ये एरिया बचा रह जाएगा। तो क्या मैं इसको स्क्रैप में ले जाऊं? ऑल्दो ये बात अलग है कि इसमें से स्पून बना के निकाल ले वो, ठीक है, अपने लिए वो बना के आगे फॉरवर्ड बेच सकता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, स्क्रैप हो गया तो ये स्क्रैप होगा, इसको क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा, फैक्ट्री के अंदर मशीनरी है, मशीनरी का एक पार्ट मोटर खराब हो गया, अगर हम मोटर खरीदेंगे तो इसके अंदर मशीनरी के अंदर ऐड हो जाएगा, और जो मोटर खराब हुआ उस मोटर को बेच देंगे, तो क्या जो बेचा वो भी हमारा सेल होगा, ये भी सेल ऑफ स्क्रैप होगा, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे हैं। एक हमारा मटेरियल का स्क्रैप है और एक हमारा ऐसा स्क्रैप है जो हो जाता है जनरली, ठीक है। तो अब स्क्रैप को माइनस करना चाहिए, क्वेश्चन रेज होता है सर हम स्क्रैप को कहां माइनस करें, तो स्क्रैप को यहां भी माइनस कर सकते हो और यहां भी माइनस कर सकते हो। फिर से क्वेश्चन रेज होगा सर हम कहां माइनस करें ये बताओ, अगर हमारा स्क्रैप मटेरियल का है, ये मटेरियल का है तो कहां माइनस होना चाहिए, प्राइम कॉस्ट में। अगर हमारा स्क्रैप मटेरियल का ना होके कोई अदर स्क्रैप है तो कहां माइनस होना चाहिए, फैक्ट्री में। तो क्या मैं इस वाले के अंदर यहां पे लिख सकता हूं लेस स्क्रैप, और मैं यहां भी लिख सकता हूं इनफैक्ट लेस स्क्रैप। अब क्वेश्चन रेज होता है सर हम कैसे माने, हमें तो सिर्फ स्क्रैप देगा क्वेश्चन में एग्जामिनर, हम कैसे माने, नोट देना पड़ेगा वहां पे, नोट देना पड़ेगा, वी एज्यूम दैट स्क्रैप रिलेट टू मटीरियल, तो यहां से माइनस करेंगे, अगर मानते हैं रिलेट टू फैक्ट्री तो यहां से माइनस करेंगे। तो स्क्रैप का मतलब समझ में आया। एक देखो बहुत सारे नोट, जब तक नोट नहीं दोगे पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले, कॉस्टिंग के अंदर आपको अजम्पशन बहुत सारे शेयर करने पड़ेंगे एग्जामिनर के साथ। पहला नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस पता चल गया, दूसरा बैड डेट्स कब लिखना है कब नहीं लिखना है, तीसरा स्क्रैप की मैंने बात करी कब स्क्रैप आएगा कब नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। अब हम इस पे क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से हम देखेंगे किस तरीके से क्या होगा इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स होगा। इस फॉर्मूले को अच्छे से आपको ध्यान देना है, मेजर कंपोनेंट्स हमारे यहां से काम स्टार्ट होगा। हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है 7.5 से 8 नंबर का, 10 नंबर का, कई बार 15 नंबर का भी क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड। तो है क्या P&L, P&L का एक फॉर्मेट है और कुछ एक्सपेंसेस आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम इसके आगे इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद हमें एक्चुअल में पता चल पाएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा और किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इससे रिलेटेड, करेंगे हम अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।